राज्यात तुम्हाला यश मिळालं खास करून तेही तुमच्या काय त्याचं प्रभारी होते काय यशाचं गमक काय होतं मराठी हिंदी आपण एक मिनिट निवडणूक तेलंगणा की चुनाव के बाद पहले मराठी तेलंगणा मध्ये प्रभारी म्हणून जबाबदारी दिल्यानंतर निश्चितच तेलंगणामध्ये काँग्रेस पक्षाला विजय मिळाला त्याचा निश्चित आम्हा सर्वांना आनंद आहे. काँग्रेस जनांनी फार अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं काम केलं. PCC प्रेसिडेंट CLCL लीडरच्या सर्वांनी सर्व नेत्यांनी फार चांगल्या प्रकारे काम केलं आणि यश मिळालं. आणि आज या ठिकाणी एक ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी अध्यक्षांनी बोलावलं. त्यांच्या बोलावण्यावरून मी आलो. त्यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतरच काही निर्णय आमचे होतील ते मी सांगू शकेन. सध्या काही असं सांगण्यासारखं नाही आहे. सर आप दिल्ली में अभी आए हैं और क्या क्या लगता है कब तक निर्णय हो जाएगा तेलंगाना के लिए? पहली बात तो तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को जो मैंडेट दिया है इसलिए मैं तेलंगाना की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा. और जो प्रोसेस है जो आगे की जो प्रोसेस है जो CLP लीडर्स हमको चयन करना है या उस तरीके से आगे की जो भी बात है उसके लिए हम आज जो ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट उनके साथ बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं. और उनके साथ बातचीत करने के बाद ही तय होगा कि कब क्या क्या होगा. वो तो उसके बाद कुछ हम बता पाएंगे. अभी तो CP ने बुलाया है, अध्यक्ष जी ने बुलाया है, तो उनके बुलावे पे हम आए हैं. मैं हूँ DK शिव कुमार जी हैं, हम दोनों भी उनको मिलेंगे. लेकिन क्या आप किन मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से चर्चा है कि 2 DCM बनाए जाएंगे? देखिए सबसे पहले तो अभी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस चल रही है. प्रोसेस के बाद ही हम बताएंगे कि आगे क्या करना है. जो भी लीडर्स बनेगा वो आपको बताएंगे किस तरीके से आगे जाना है, क्या करना है. तो वो तो एक प्लानिंग बना के कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो आगे बढ़ेंगे. क्या इसी के लिए दोनों नेता यानी एक CLP लीडर और उत्तम कुमार जी को यहाँ दिल्ली बुलाया गया है? नहीं नहीं नहीं, ये तो सीनियर लीडर्स हैं, वो हाईकमांड को मिलते रहते हैं, प्रेसिडेंट को मिलते रहते हैं, सीनियर नेताओं को मिलते रहते हैं. वो तो एक प्रोसेस है, वो चलते रहते हैं. दोन लिफाफे तुमच्यासोबत? दोघांचे दोन असेल ना. आणि केव्हापर्यंत शपथविधी होईल? शपथविधीचं आता ते गेल्यावरच कळेल की नेमकं प्रोग्राम कशा कशा पद्धतीनं पुढे न्यायचा. तो कब तक हो जाएगा? कब तक हो जाएगा? जब तक जब अध्यक्ष जी ठहराएंगे आगे का प्लान किस तरीके से करना है. ठीक आहे. 3 राज्यांच्या पराभवाबद्दल काही नेमकं निरीक्षण आपलं? आपण स्वतः फील्डमध्ये होता, त्या राज्याचे जे नेते आहेत ते त्याबद्दल सांगतील. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.